जबलपुर की गोरखपुर थाना पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में तंबाकू निर्मित पदार्थ एवं हुक्का जब्त किए। वहीं गोरखपुर थाना क्षेत्र के अवतार कॉम्प्लेक्स में हिडेन कैफे पैलेस में अवैध रूप से ग्राहकों को हुक्का पिलाया जा रहा था, जिसकी सूचना गोरखपुर थाना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। इसके बाद देर रात गोरखपुर थाना पुलिस की टीम ने हिडेन कैफे पैलेस पर दबिश दी, जहाँ पर कैफे संचालक गुरदास सिंह अपने दो साथियों सागर बैरागी और करण देओल को गोरखपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इनके कब्जे से पुलिस ने हुक्का एवं फ्लेवर तंबाकू एवं अन्य उपकरण सिगरेट भी जब्त की है। वहीं थाना प्रभारी SPS बघेल ने बताया कि पूरे मामले में तीनों आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में अब हिडेन कैफे पैलेस को सील करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। कल ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि हिडन कैफे अवतार कॉम्प्लेक्स जो गोरखपुर बाज़ार में है, उसमें हुक्का बार चलाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा वहां पर दबिश दी गई थी और वहां हुक्का बार चलता पाए जाने से कार्रवाई की गई, और कार्रवाई के दौरान दो नग हुक्का सेट और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। और हिडन कैफे के मालिक गुणताज सिंह, उसके कर्मचारी करण देओल, सागर बैरागी के विरुद्ध धारा 269 IPC एवं 20 सिगरेट एवं अन्य उत्पाद तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।